अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संसद में भाजपा संसदीय दल की मीटिंग की। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने कहा कि विपक्ष आशंकाओं से भरा हुआ है। विपक्ष यह बात दिखाने के लिए ही अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। कुछ लोग कह रहे थे कि 2024 से पहले राज्यसभा में वोटिंग सेमीफाइनल है। उन पार्टी सांसदों का शुक्रिया जिन्होंने यह सेमीफाइनल जीत लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले INDIA गठबंधन के नेताओं ने भी बैठक की। इस पर लोकसभा में बहस के दौरान रणनीति पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, जिनकी सांसदी एक दिन पहले ही बहाल की गई है, वो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करेंगे। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में 12 घंटे चर्चा होगी। भाजपा को करीब 7 घंटे का वक्त दिया गया है और कांग्रेस को 1.25 घंटे का। सूत्रों के मुताबिक YSRCP, शिवसेना, JU BJD, BSP, BRS और लोजपा को 2 घंटे का वक्त दिया गया है। सभी पार्टियों के सांसदों की संख्या को ध्यान में रखते हुए उन्हें 2 घंटे में से चर्चा की टाइमिंग अलॉट की जाएगी। 1 घंटे 10 मिनट का वक्त दूसरी पार्टियों और इंडिपेंडेंट सांसदों को दिया गया है। 8 और 9 अगस्त को ये सभी लोग अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अगस्त को जवाब दे सकते हैं।